दोस्तों नमस्कार, फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सहारा इंडिया के मामले में जो निवेशक जिनका पैसा ज्यादातर फंसा हुआ है, वह इंतजार कर रहे हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा। सहारा इंडिया की पैसे फंसे हैं। सरकार की एंट्री निवेशकों को एक आश दिला रही है कि इसका पैसा जल्द वापस होगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। आइए जानते हैं निवेशकों के पक्ष में क्या खबर निकल कर आई है। आप सभी को बता दें कि बहुत लंबे समय से सहारा इंडिया के मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और निवेशक और जमाकर्ता और सरकार इस मामले में रुचि दिखा रहे हैं कि भुगतान जल्द से जल्द हो। केंद्र सरकार इस मामले में ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी, जिसकी मांग को लेकर सड़क पर हमेशा आए दिन प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। विवाद जुड़ा हुआ था, वही सहारा प्रीत निवेशक लगातार प्रदर्शन कर अपनी रकम की मांग कर रहे थे। जब प्रदर्शनकारी देश भर में प्रदर्शन करने लगे तो सरकार हलचल में नजर आई, क्योंकि सरकार को डर सताने लगा कि कहीं 2024 में चुनाव हार में जाएं, क्योंकि सहारा प्रदर्शनकारी लगातार यह नारा लगा रहे थे कि सहारा से भुगतान नहीं तो 2024 में मतदान नहीं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने कुछ दिन पूर्व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधीन आने वाले सहारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी से जुड़े सभी 4 सोसाइटी के निवेशकों की सहायता पर एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें सेबी समेत एमसीसी सहकारिता मंत्रालय की बड़ी बैठक माननीय सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के द्वारा की गई थी। हालांकि इसके बाद शुक्रवार यानी 17 मार्च 2023 को सुनवाई में केंद्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में कुछ जरूरी पक्ष रखते हुए सहारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान करने पर सहारा सेबी पर फल खाते से करीब 5,000 करोड़ रुपए की मांग की थी और इसको लेकर सुनवाई 20 मार्च को होनी थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में सहारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी को लेकर सुनवाई हुई, जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी के निवेशकों को 5,000 रुपए की राशि को जारी कर दिया है। हालांकि सहारा इंडिया की तरफ से 27 मार्च 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले को लेकर सहारा समूह से राय मांगी है। वही सहारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी से लंबित भुगतान करने हेतु सहकारिता मंत्रालय समेत केंद्र सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है। सहारा से जुड़ी ताजा खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को ऑल करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।